बसपा सांसद अफजाल अंसारी और उनके पूरे परिवार की परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। जहां एक और मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और बसपा सांसद अफजाल अंसारी जेल में बंद हैं, वहीं दूसरी ओर परिवार में भी परेशानियां बढ़ रही हैं। बता दें कि अफजाल अंसारी की पत्नी फरत अंसारी के नाम से एक पेट्रोल पंप था, जिसे कुछ दिन पहले ही जिला प्रशासन ने कुर्क किया था। बता दें कि कुर्की के बाद से फरत अंसारी बहुत परेशान थी, जिसके बाद पेट्रोल पंप संचालित करने के लिए फरत ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद उच्च न्यायालय के आदेश से पेट्रोल का संचालन 3 फरवरी को शुरू कर दिया गया। वहीं इस मामले में डीएम ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत इस पेट्रोल पंप को कुर्क किया गया था और उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि कुर्की के दौरान पेट्रोल पंप पर संचालन जारी रखा जाए, तो इसी आदेश के तहत संचालन शुरू किया गया था। देखिए, जो पेट्रोल पंप की आप बात कर रहे थे वो फरत अंसारी पत्नी श्री अफजाल अंसारी के नाम से थी और उसको गैंगस्टर एक्ट के अधीन कुर्क किया गया था और उसमें कुर्की के समय ही तहसीलदार मोहम्मदाबाद को प्रशासक नियुक्त किया गया था। कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने ये आदेश दिया है कि कुर्की के दौरान उसका संचालन बंद नहीं रहेगा। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में चूंकि प्रशासक तहसीलदार स्वयं हैं तो उनकी देखरेख में उस पेट्रोल पंप को पुनः संचालित करा दिया गया है और अब संचालन तहसीलदार प्रशासक की रूप में कराएंगे। मैम, खबरें मीडिया में आ रही हैं कि उसमें जो पेट्रोल भरने वाले वो राजस्व कर्मी नियुक्त होंगे, इस तरह की चर्चा हो रही है? नहीं, इसमें क्योंकि तहसीलदार प्रशासक हैं लेकिन उनको पेट्रोल पंप संचालन करने का किसी भी तहसीलदार को अनुभव नहीं होता है, तो जो संबंधित ऑयल कंपनी है उसके सहयोग से संचालित किया जाएगा। वहीं कुर्की के समय ही मोहम्मदाबाद तहसीलदार को प्रशासक नियुक्त किया गया था और अब तहसीलदार की देखरेख में ही इस पेट्रोल पंप का संचालन किया जा रहा है। चूंकि तहसीलदार प्रशासक को काम के बारे में अनुभव नहीं है, इसलिए उनकी देखरेख में पेट्रोल कंपनी के कर्मचारियों की मदद से पेट्रोल पंप को संचालित किया जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजीपुर से मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।